मध्य प्रदेश भाजपा नेत शिवराज सरकार से कर्मचारी वर्ग नाखुश नजर आ रहा है। कभी सरपंच सचिव को तो कभी स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी तो कभी कृषि विस्तार अधिकारी और अब पटवारियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोटवार पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि यह हड़ताल तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती। मजेदार बात यह है कि छिंदवाड़ा में कोटवार पटवारी की हड़ताल का राजनीतिकरण शुरू। हड़ताल स्थल को जिला कांग्रेस ने राजनीतिक रोटियां सेकने का मंच बनाया। वरिष्ठ कांग्रेसी अमित सक्सेना ने कहा, सांसद कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पटवारियों की मांग पूरी की जाएगी। और अभी जो पटवारी संघ और कोटवार संघ के द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, इसमें हमारे माननीय नेता माननीय सांसद कमलनाथ जी आज हमारे पटवारी और कोटवार भाइयों के बीच में पहुँचे थे और उनको उन्होंने जो मांगे थी उनकी सुन के और जो जनता को असुविधा हो रही, जो पटवारी और कोटवार संघ और सभी शासकीय कर्मचारियों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया है कि वो उनकी मांगों को राज्य शासन को दबाव बनाएंगे कि उनकी मांगों को पूरा करें। इस बार हम आश्वासन से वापस नहीं आएंगे। हम जब तक सरकार से आदेश नहीं करवा लेंगे अपनी मांगों का, और हमारे लोगों की न्यायोचित मांग है, न्यायोचित मांग का जब तक आदेश प्रसारित नहीं करा लेंगे हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे, ये सरकार समझ ले। चूंकि शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कामों में बाधा आती है जिसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है, इसकी चिंता ना तो सत्ता पक्ष को है और ना ही विपक्ष को। क्या यही सुशासन का सारांश है? ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज।